फ्रेंड्स, मैं बरेली से आपका नैन सिंह, फिजियोथेरेपिस्ट। एंकल में कोई फ्रैक्चर हुआ था, पैर के पंजे में कोई फ्रैक्चर हुआ था। पोस्ट फ्रैक्चर रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइज क्या होती हैं, कैसे पैर की पंजे की जकड़न को ठीक करते हैं, कैसे उसकी सूजन को कम करते हैं, दर्द से कैसे निजात पाते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिंपल तरीके से कुछ एक्सरसाइज दिखाऊँगा और इसके बारे में बताऊँगा कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो चलिए, बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज रहेंगी, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा जो कि आपको बताने में ज़्यादा देर लगे। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है मैं ऐसे ही यूजफुल कंटेंट आपके लिए बनाते रहता हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो ये पैर का पंजा है, मान लीजिए इसमें कोई फ्रैक्चर हुआ था, प्लास्टर कट गया है या ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद पैर जो है इस तरह से मोबिलिटी नहीं करता है, कुछ इस तरह से, यानी पैर ऊपर की ओर नहीं जाता है। तो इसको कैसे कम करते हैं और पैर अगर ऐसे ऐसे नहीं हो रहा है तो क्या करते हैं, देखिए सिंपल से तरीके से बताऊंगा। स्टार्टिंग के दिनों में जब कोई ऑपरेशन होता है या प्लास्टर कटता है तो मान सकता हूं वो इस तरह से पैर मूव नहीं होता है, इस तरह से पूरा नहीं होता है और पेशेंट को दर्द होता है, इस जगह पे थोड़ी सूजन रहती है, किसी को दर्द होता है तो किसी को सूजन होती है ना, और किसी के जकड़न होती है। तो इन सब केसों में आपको सूजन को कम करने के लिए आपको थोड़ी गर्म सिकाई करनी होगी, ठीक है। गर्म सिकाई के मामले में अभी आपको आगे बता दूंगा कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको पंजा ऐसे नहीं चल रहा है तो इस तरीके से नीचे हाथ रख लेना है, एक ये रोल बना लेना है सॉफ्ट टॉवल का, और पंजे को कुछ इस तरीके से ऐसे करके मूव करना है, इस तरीके से आगे की ओर बढ़ाना है। पेशेंट को थोड़ा सा दर्द महसूस होगा, ठीक है, तो थोड़ा सा हल्का सा फोर्स लगाते हैं और इस तरह से इस टेक्निक का अपनाई करते हैं, ठीक है। तो जो है प्लांटर फ्लेक्शन, डोर्सिफ्लेक्शन, इस तरह से इसका मूवमेंट करते हैं, ठीक है। अब दूसरा ई वर्जन, पैर ऐसे से नहीं घूम रहा है, पंजा इस तरह से नहीं घूम रहा है, तो इसको घुमाने के लिए पंजे को यहाँ पकड़ेंगे, ये कोई दूसरा व्यक्ति ही करेगा, और इसको इस तरह से करते हैं, इस तरह से थोड़ा सा, फिर अंदर की ओर थोड़ा सा इस तरह से करते हैं। इस तरह से आप तीनों मूवमेंट को, चारों मूवमेंट को कर लेंगे, और इन सब के रिपीटेशन मैं आपको बता दूं तो कम से कम आपको 20 से 30 बार आपको ये करना है। मान लीजिए अगर ऐसे कर रहे हैं तो आपको 20 से 30 बार करना है, ठीक है। इस तरह से आपको 20 से 30 बार आपको कर लेना है, ठीक है। 10-10 के तीन सेट बना लेना, सुबह शाम आपको एक्सरसाइज करना है, ठीक है। अब इसके बाद आपको उंगलियाँ चलानी है, ये जब देखो यहाँ का ब्लड सर्कुलेशन चलेगा तो सूजन घट जाएगी, दर्द भी कम हो जाएगा और जकड़न आपके हल्के हल्के चली जाएगी। कई सारे लोग बहुत परेशान होते हैं जो कि हमसे सवाल करते हैं कि सर मेरी जकड़न नहीं जा रही है, मैं और क्या कर सकता हूँ। तो उसके लिए ये मेडिकेटेड पैराफिन बैग्स होता है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी सिकाई के लिए, और सिकाई करने के बाद इस पर अप्लाई करेंगे गर्म करके। गर्म कैसे करते हैं मैं आपको ऊपर आई बटन की वीडियो दे दिया हूँ, या आप मेरा नाम डालेंगे और हाउ टू यूज पैराफिन बैग्स डालेंगे तो आपको मेरी वीडियो आ जाएंगी। इसको लगाना है सुबह शाम, तीनों टाइम सिकाई करनी है तो बहुत फायदे में रहेंगे। इससे आपकी जकड़न खत्म हो जाएगी, सूजन कम हो जाएगी, दर्द चला जाएगा। तो इसको खरीदने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ऑर्डर कर लीजिएगा और 2 से 4 दिनों के अंदर आपके घर पर ये पहुँच जाएगा, ठीक है। तो आप इसको मंगा सकते हैं अपने घर बैठे कहीं भी ऑल इंडिया में। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का, ये इसमें जो है जकड़न कम करने का तरीका है, ठीक है। अब बाकी मैं आपके लिए बता दूँ, इसके लिए इस तरह से मूव तो करना ही है, इसके बाद आपको पेशेंट को उल्टा लेटालना है। उल्टे लेटिए लीजिए, अभी ये पैर जो है सीधा था तो सीधे पैर को कुछ इस तरह से मोबिलिटी एक्सरसाइज करते हैं। पहले पेशेंट के पैर को नीचे जो है ये लगा देते हैं, अब यहाँ से हटा के यहाँ पर लगा देते हैं नीचे ये रोल, ठीक है। अब पैर को इस तरह से चलाते हैं, बाकी इस तरह से पैर की मोबिलिटी एक्सरसाइज करते हैं। ये रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज है, ये बहुत ज़रूरी है, इस तरह से आपको करनी है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं, और याद रहे ये एक्लिस टेंडन जो होता है यहाँ से थोड़ा सा जो है खिंचाव होता है और आपकी ये जकड़न कम हो जाती है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा मान लीजिए कोई पेशेंट है तो पेशेंट को एक एक्सरसाइज ये करने को बोल सकते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मेरा ये वाला पैर है, ठीक है, अब मेरा ये सीधे पहले खड़े हो गए, अब मेरा सीधा पैर है, इस तरह से पेशेंट को बैठने को कह सकते हैं, इस तरह से बैठने को कह सकते हैं। जब यहाँ पर आपके जब जोर पड़ेगा तो इस तरह से आपका जो है पैर का पंजा भी खुल जाएगा। तो बकायदा फ्रेंड्स, मैंने यह सारे आपको मेथड बताए, बेशक मैं समझ सकता हूँ कि आपको ये काम आएंगे, बकायदा आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने वाली वीडियो थी। सब्सक्राइब कीजिए, देखता हूँ आप 4 या 5 हज़ार तक का टारगेट पूरा कर देते हो, तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाला है।
फटाफट इसको पूरा कीजिए। बाकायदा मेरे वीडियो पहले के आ चुके हैं, आई बटन पे देखिए, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। जब तक 4 से 5 हज़ार सब्सक्राइबर, वो 4 से 5 हज़ार लाइक, और आप जो है 100 के सब्सक्राइबर पूरा नहीं करा देते हो। मुझसे कॉन्टैक्ट करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट कॉल के लिए अपॉइंटमेंट लेके जो है मेरे से बात कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है। बाकी मैंने एंड स्क्रीन कार्ड पर बताया कैसे मेरे से आप कॉन्टैक्ट करेंगे, कैसे अपॉइंटमेंट फॉर्म भरेंगे। मैं आपसे डायरेक्ट कॉल पर बात करता हूँ, वीडियो कॉल पर एक्सरे देखता हूँ, आपसे डायरेक्ट बात हो जाती है। हमसे किसी भी तरह का कॉन्टैक्ट करने के लिए, संपर्क करने के लिए, ऑनलाइन कंसल्टेशन करने के लिए क्रोम खोलेंगे या फिर किसी भी ब्राउजर, और वहां पर सर्च करेंगे डॉक्टर नयन सिंह पर, एक आपको मेरा फोटो लगा हुआ ये वेबसाइट आएगा डॉक्टर नयन सिंह नाम से, DrNayan.in करके, इसी को ओपन करना है और किसी को ओपन नहीं करना है। और मेरे नाम से कई सारी वेबसाइट आएंगी लेकिन DrNayan.in करके एक ही आएगी। यहाँ पर मेरा सामने फोटो लगा हुआ होगा अच्छा सा, सामने फ्रंट पेज पे ही मे का अपॉइंटमेंट लिखा है, इस पे क्लिक करेंगे, इसी प्रतीक्षा करते हैं। अपॉइंटमेंट पे क्लिक करने के बाद थोड़ी देर प्रतीक्षा करते हैं और कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। अगर हम आपके आसपास कहीं जाकर विजिट करते हैं तो अपकमिंग इवेंट में हम लोग डाल देते हैं, आपको पता चल जाएगा हमारा नेक्स्ट इवेंट कहाँ पर होने वाला है। हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो कॉल यानी कॉल कंसल्टेशन पे क्लिक करके अपॉइंटमेंट लेना होगा। अगर हमसे कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट लेना चाहते हो तो कायरोप्रैक्टिक पे क्लिक करना होगा। फिजियोथेरेपी करानी है, इनमें से कोई सी सर्विस आप सिलेक्ट कीजिए। बाकी अगर आपसे खाली फोन पे बात करनी है तो कॉल कंसल्टेशन पे क्लिक कीजिए। और यहाँ पर दिखाया 350 रुपए छोटी सी फीस है और आप किसी भी तरह की कंसल्टेशन ले सकते हैं। और यहाँ पर सारा कुछ करने का ऑप्शन दिखाया है, कैसे कैसे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और इसके अलावा आप अपना डेट सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से मान लीजिए आज 16 तारीख है, कल मैं 17 तारीख का लेना चाहता हूँ और मुझे लेना है 12 बजे नहीं 1 बजे, तो मैं 1 बजे पे मैं क्लिक करूंगा और 1 बजे के बाद मैं यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। और क्लिक करने के बाद में यहाँ से अपॉइंटमेंट के लिए अपना नाम और यहाँ से मैं अपनी ईमेल आईडी जो है डाल दूंगा, है ना, यहाँ से मैं अपना एक मोबाइल नंबर डालूंगा और मैं फिर आगे बढ़ जाऊंगा कर देता हूँ। और कंफर्म करने के बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपसे रिडायरेक्ट करेगा पेमेंट के लिए, आपके गूगल पे करना चाहोगे या फोन पे, जो भी पेमेंट मेथड आप इस्तेमाल करते हो इस्तेमाल कीजिए और डायरेक्ट यहाँ से अपॉइंटमेंट हो जाएगा। आपको एक मेल चला जाएगा, आपको उस टाइम पे हम आपसे कॉल करते हैं और आपसे डायरेक्ट हमारी बात होती है। कैसा लगा ये हमारा कॉल करने और अपॉइंटमेंट लेने का तरीका आपके लिए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमसे अभी अपना अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिएगा। ये बहुत ही ईजी है, आप कभी का भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मैं नयन सिंह फिजियोथेरेपिस्ट, मिलता हूँ किसी अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।